हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल शाम को मैं यहाँ करनाली ब्रिज पहुँचा था और जैसा कि कल बताया मैंने कि यहाँ हवा का बहुत मसला है और वही हुआ। आधी रात को एकदम से तूफान शुरू हो गया और आप पीछे देख रहे हैं बहुत भयंकर वाली तेज़ हवा चल रही है। अभी फिर भी थोड़ी कम हो गई है पर रात में बहुत ज़्यादा थी। यहाँ का इस जगह का पता नहीं क्या ऐसा कुछ है कि आधी रात से लेकर दोपहर तक बहुत तेज़ तूफानी हवा चलती है और दोपहर से फिर रात तक मौसम नॉर्मल रहता है। तो भी वैसे धूप खिली हुई है। टाइम टाइम से यहाँ से निकलते हैं, आगे बर्दिया नेशनल पार्क शुरू हो रहा है। यहाँ एक भाई का एक कॉटेज है, इसमें रुका था मैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि रात को रोटी और सुबह भी पराठे का भी इंतज़ाम हो गया यहाँ पे, जो कि हर जगह नहीं मिलता है नेपाल में। लो जी, ब्रेकफास्ट हो गया है और अब करते हैं इस खूबसूरत करनाली नदी को अलविदा और चलते हैं आगे के सफ़र पे। और ये शानदार बेमिसाल ब्रिज, उस पुल को पार करके इस तरफ आते ही दूसरा नेशनल पार्क शुरू हो जाएगा थोड़ा सा आगे जाके, जिसका नाम है बर्दिया नेशनल पार्क। काफ़ी बड़ा है। सामने ये बर्दिया नेशनल पार्क की आर्मी की चेक पोस्ट है और वहाँ से मुझे क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा साइकिल पे। आगे का 10-15 किलोमीटर एरिया काफ़ी डेंजरस है, जंगली जानवर सड़क पे कहीं भी निकल सकते हैं। तो ये किसी गाड़ी में बिठाएंगे। तो भी वो आर्मी वालों ने एक जीप आई थी, इसमें साइकिल लगवा दिया और आगे वाली जो चेक पोस्ट आएगी तो बोला कि वहाँ पे उतार देंगे। ये वाला जो एरिया है काफ़ी डेंजरस मानते हैं ये, बाइक वाले हैं उनको भी अकेला नहीं आने देते, कम से कम 5-6 बाइक एक साथ हो इकट्ठी, उसके बाद उनको वहाँ से निकालते हैं। अभी मैं देख रहा था वहाँ पे 3 बाइक इकट्ठी हो गई थी, फिर भी उनको नहीं छोड़ा था। अब ये काफ़ी दूर तक, आज का पूरा दिन ही लगा लो आप अगर चलता रहूँगा तो, बर्दिया नेशनल पार्क का एरिया ही चलेगा। इसके बीच बीच में छोटे मोटे गाँव आते रहेंगे। यहाँ एक छोटा सा बाज़ार आया है, इसमें एक दो लड्डू है चाय पी, क्योंकि इसके बाद बहुत दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। उस बाज़ार से थोड़ा आया गया तो ही भाईजान फिर मिल गए। इनको भी इस ट्रक में बिठाया था उन्होंने, मेरे को साइकिल पे देख के इन्होंने ट्रक रुकवा लिया और ये भी अब अपना सामान लोड करें वापस साइकिल में। तो यहाँ से अब चलेंगे अपनी मस्ती की सवारी साइकिल पे। यहाँ एक चेक पोस्ट और है क्योंकि इसके बाद फिर बहुत लंबा फॉरेस्ट एरिया शुरू होगा। यहाँ पे खाली एंट्री होनी है बस। अब एक बेहद लंबा और घना फॉरेस्ट एरिया, ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा दूर तक चलेगा है ये पूरा भाई बर्दिया नेशनल पार्क। वैसे वो पिछला स्ट्रेच 15 ही किलोमीटर का था बट वो ज़्यादा डेंजरस था। जोन जो है इनके नेशनल पार्क्स में जोन होते हैं कि किस जोन में टाइगर या इस तरीके के थोड़े खतरनाक जानवरों का आना जाना रहता है, और कुछ जोन ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली सेफ होते हैं। तो ये जिस जोन में मैं अभी हूँ इसमें क्या है कि फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, उससे डबल ही होगा, पर उसके मुकाबले ये थोड़ा सेफ जोन है, इसलिए इसके अंदर क्या है कि उन्होंने रोका नहीं साइकिल पे चलने से। वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ हाथी टाइगर देखना नहीं है। ये देखो इतने घने लंबे
लंबे लंबे पुराने पेड़ सदियों से यहाँ खड़े हैं। ये भी तो वाइल्ड लाइफ ही है, ये असल वाइल्ड लाइफ है एक्चुअल में। इनकी बदौलत टाइगर वगैरह यहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं। यहाँ क्या है, ये हाथी ओहोर दोहोर गरने क्षेत्र। कहने का लबल हुआ भी है कि ये एरिया है हाथी के जो एक तरफ से दूसरी साइड क्रॉस करने का जोन है, मतलब इस इलाके में हाथी ज़्यादा है शायद। सच कहूँ तो इतने घने जंगल वाले कोई भी एरिया में मैं होता हूँ, मैं खो जाता हूँ, स्पीचलेस हो जाता हूँ टोटली। ये असर होता है असल में कुदरत का या इतनी घनी खूबसूरती का। ये जो सुंदरता आप देख रहे हैं और नदी की जो शुद्धता है वो बरकरार तब रहती है जब कोई भी नदी के किनारे कस्बा, टाउन, शहर, घाट, पूजा पाठ ये सब चीज़ें ना हो ना, तो कोई तरीके का पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल जैसी की है वैसी रहती है। अनदर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन। आप बस इस घने शानदार जंगल का आनंद लीजिए। इतने सुंदर रास्ते पे तो हॉर्न बजाना भी गुना होना चाहिए। हॉर्न क्या मतलब, साइलेंट व्हीकल अलाउ करने चाहिए बस। जिस भी व्हीकल से आवाज आ रही है वो आने ही ना दे। इस खूबसूरती की जो शांति है भंग होती है यार, है ना। वैसे नेपाल के अंदर है इलेक्ट्रिक जो टैक्सी या गाड़ियां, कई देखी है मैंने इस रूट पे चलती हुई, वो ठीक है, उनमें ज्यादा आवाज नहीं आती। ऐसे मेरा बोलना भी बेकार है, उससे भी तो थोड़ा बहुत साउंड क्रिएट हो ही रहा है। ऐसे मेरा बड़ा मन करता है कि ऐसी नेचुरल जगहों पे जब जाता हूँ मैं, मेरे वाली कमेंट्री में बंद ही रखूँ और जो नज़ारे हैं सिर्फ उनकी फुटेज लेता रहूँ। पर वो क्या है कि साइलेंट व्लॉगिंग समझने वाला अभी तक दौर शायद आया नहीं है। जैसे सबसे पहले हिंदुस्तान में जब फिल्में बननी शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, उस टाइम पे मूक फिल्में बनती थी, कोई डायलॉग, कोई साउंड, कुछ नहीं होता था और सिर्फ एक्सप्रेशंस होते थे, दर्शक देखते थे और हाव भाव से उनके जेस्चर से समझते थे कि क्या कहानी है, कौन क्या कहना चाह रहा है या कह रहा है। कितना अच्छा दौर था वो। उसके बाद उन्होंने आवाज़ें घुसाई, फिर बैकग्राउंड टा 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 पा टा टा कर कर के अब देखो क्या हाल हो गया है। अदरवाइज़ कोई शोर शराबा नहीं हो, है ना, सिर्फ आपके सामने एक फिल्म चल रही है, रील चल रही है, वीडियो चल रही है, जो भी है, और साइलेंट है वो, या फिर अगर जो नेचुरल कोई साउंड है पंछियों के, नदियाँ के, हवा के, वो रहें, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। ये नेचर और वाइल्ड लाइफ के मामले में नेपाल मुझे बहुत ही कमाल का देश लगता है। इतने बड़े बड़े फैले फैले जंगल, नेशनल पार्क्स और नदियों का तो अंत ही नहीं है, ऊपर से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी यहीं मिलेंगे आपको। अब थोड़ा रिहायशी एरिया देखना शुरू हुआ है, थोड़े थोड़े घर से गांव आया था पीछे, वो साइड में था, कुछ चाय का ठिकाना मिल जाए तो थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट हो जाए। चाय की फरमाइश हुई और चाय का ठिकाना मिल गया, यहाँ एक
चाची जी का छोटा सा चाय की टपरी है, चाउमीन वगैरह भी मिलाते हैं, ये खिलाते हैं अपने को। चाय से मतलब है, चाय पियेंगे आराम से। ये नज़ारा थोड़ा ठीक है, एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ गांव और खेतों का खुला सीन, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये गांव का एरिया जहाँ भी आता है ये ढेर दिखता है सूखा भूसे का। ये है चावल की पराली जो पशुओं के लिए स्टोर करके रखते हैं ऐसे ही। उधर सरसों की कटाई हो रही है क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ कि कई कई जगहों पे ना सरसों पक चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल चलते चलते शाम को बाईपास पे एक छोटा सा ये बाज़ार आया था और यहीं पे रुक गया था मैं। उसके बाद अभी मिठाई की दुकान में नाश्ता करके भी चलते हैं आगे। जहाँ मैं रुका था इस टाउन का नाम है कोलपुर। रात में हल्की बारिश भी हुई थी पर अभी बढ़िया मौसम खिला हुआ है। यहाँ शुरू हो रहा है तीसरा नेशनल पार्क इस सफर का, बांके राष्ट्रीय निकुंज, बांके नेशनल पार्क। यहाँ है चेक पोस्ट उसकी। ये भी काफ़ी लंबा नेशनल पार्क है। लगातार तीसरा दिन है और तीसरा ही नेशनल पार्क। ये वाला थोड़ा ज़्यादा घना लग रहा है पिछले दो के मुकाबले। अभी फिर जब से ये फॉरेस्ट एरिया शुरू हुआ है मन एकदम से शांत और मैं चुपचाप चल रहा हूँ। कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे थोट वोट नहीं आ रहे, बस ऐसा मन हो रहा है कि शांत चित से चलता रहूं। कल भी यही हुआ था कि दोपहर बाद के तीन चार जो घंटे थे कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा, बस आराम से एक पेस पे धीमे धीमे पैडल मारते मारते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैमरा बंद, जेब के अंदर फ़ोन, और मैं चलता रहता हूं अपनी मस्ती में। तो एक सलाह आप लोग देंगे, एक ऑप्शन तो ये है कि जो मैं करता हूँ नॉर्मली कि जिस टाइम मेरी मन स्थिति ऐसी होती है कि बिल्कुल शांत चित्त, कुछ भी बात करने बोलने का कोई मन नहीं होता, सिर्फ नेचर को एंजॉय करते हुए चलता हूँ मैं, वैसे ही चलता रहूँ बिना किसी रिकॉर्डिंग के। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिना किसी कमेंट्री के पर जो व्यूज़ हैं सामने के जो नज़ारे हैं, चाहे वो जंगल है चाहे कुछ भी, उनकी बीच बीच की फुटेज मैं लेता चलूं और वो वैसी की वैसी सिंपल सरल पोस्ट करता जाऊं। वैसा नहीं है कि ये जंगल पूरे के पूरे ही सुनसान है, खूबसूरत है अनडाउटेडली, पर बीच बीच में जैसे 8-10 किलोमीटर बाद कोई छोटा मोटा गांव आ जाता है, जैसे कि ये आगे आया है शमशेरगंज। पर फिर भी इतने बड़े चौड़े घने जंगल के 8-10 किलोमीटर में जाके कोई छोटा सा गांव आता है, वो भी अपने आप में एक कमाल ही है। और हर गांव में लगभग चाय नाश्ते की दुकान, कोई होटल, एक दो ऐसे फ्रूट की रेड़ियाँ होती है। फिर जैसे ही गांव का एरिया ख़त्म होता है सामने जहां तक निगाह जाती है पतली सी एक सड़क, और आगे जाके पतली होते होते
बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाती है और रह जाता है ये घना जंगल। तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं मुझे चलते हुए, वो एक ही गांव आया था और उसके बाद से तो कम से कम 15 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ और कोई गांव ना तो आया है, कई दूर कोई संकेत भी नहीं दिख रहे। बीच बीच में कहीं पे माइलस्टोन लगा आता है, उस पे आगे कोई जगह है कुसुम करके नाम है उसका, वो अभी भी 25-26 किलोमीटर दिखा रहा है, पर फिर भी उम्मीद कर सकते हैं बीच में अगर कोई छोटा सा काम भी आ जाए तो बढ़िया है, कुछ लंच का जुगाड़ देख लेंगे वहाँ। यहाँ अभी एक चेक पोस्ट आई है, इधर अंदर को रास्ता जाता है, शायद कोई गांव होगा, बाकी है तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल पतला सा रास्ता है, चलो अब आगे देखते हैं कुछ। तकरीबन 1.5 घंटा लगातार एक घने जंगल से गुजरते गुजरते एकदम से एक छोटा ब्रिज आया और ये आई है, इस तरफ सूखी पड़ी हुई है फिलहाल, काफ़ी बड़ी नदी है, ऐसा लगा जैसे एक सुरंग में चलते चलते दूसरे छोर पे पहुंच जाते ना। उस पुल के बाद फिर वैसा ही जंगल और वही नज़ारा, आगे मुझे एक दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, होपफुली मिलना चाहिए कुछ होटल वोटल, बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ जी, यहाँ तो बाजार है एक छोटा, तो देखते हैं कोई ठिकाना। तो इस बाज़ार में ये भाइयों का ये ढाबा मेरे को थोड़ा ठीक लगा, तो यहीं पे रोटी भी बना देंगे बोले, दाल सब्जी है ही, तो चला लेते हैं काम। वाह देखने में तो मस्त लग रहा है, बाकी देखो खा के। तो पेट भर गया है और 2 बज गए हैं, अब चलते हैं आगे। और असल बताऊं तो बस पेट भरने के लिए ही खा रहा हूं मैं, 4-5 दिन से जब से नेपाल में दाखिल हुआ हूं। रोटी के साथ 3-4 जो आइटम में एक मेरे को ठीक लग जाता है फिर उसी के साथ मैं खा लेता हूँ, बाकी एक दो तो ऐसे ही थाली के अंदर पड़े रह जाते हैं, है नहीं टेस्ट वगैरह कुछ, पर क्या करें अब भूखे तो नहीं चल सकते। आज तो लगता है पूरा दिन निकल जाएगा ये जंगल को पार करने में। स्लो डाउन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन। धूप में थोड़ी गर्माहट है अभी, पर जैसे ही पेड़ों की छाया आती है एकदम ठंडक महसूस होती है। यहाँ पर एक चाय हो जाए बढ़िया, ये पेट्रोल पंप है, इसे पेट्रोल पंप होते हैं यहाँ। नमस्ते, चाय है क्या? हैं चिया? ये आंटी जी का छोटा सा ढाबा और यहाँ पियेंगे हम चाय, बोले तो चिया, यहाँ चाय को चिया बोलते हैं, है ना? और खाने को क्या बोलते हो आप? खाने को नाश्ता है। नाश्ता नहीं, खाजा। हाँ कई दुकानों पे देखा ना मैंने लिखा हुआ, बाहर लिखा होता है खाजा पसल। हाँ, खाजा पसल। पसल का मतलब दुकान? दुकान है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मेरे को। इधर जाना है तो? हैं? इधर जाना है। अभी जाना है पोखरा। पोखरा कहाँ पास है?
इधर से आया मैं हरियाणा। हाँ साइकिल पर पूना है। हाँ साइकिल में ही। आप गए हो कभी हरियाणा? आप आए हो हरियाणा कभी? इंडिया। हाँ कहाँ तक गए थे? हरिद्वार है, ऋषिकेश है। हरिद्वार ऋषिकेश। पीपल का पेड़ और ये चबूतरा, तो अपने वाले गांव की याद आ गई। मौसम में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है मुझे, आगे काले बादल छा रखे हैं। पिछले दो चार दिनों में पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई है उसी का असर है कि मौसम में नीचे जो बारिश बारिश हो रही है। पांच बज गए हैं, यहाँ एक छोटा सा गांव और कोई मार्केट प्लेस लगता है। आज का स्टॉप कर देना चाहिए, देखते हैं यहाँ कोई ठिकाना। यहाँ के बाद अगला मार्केट जो है वो है तकरीबन 40 किलोमीटर लम्ही, तो अभी इतना टाइम है नहीं। यहाँ एक शोभा होटल लैंड लॉज, इसमें एक रहने का इंतज़ाम हो गया अपना। ये साइकिल भी अपने अंदर पार्क हो गई है, और इधर दिखाते हैं आपको अपना आशियाना आज का। ये जी कमरा, लगभग जंगली इलाका जितना था वो पार हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है 30 किलोमीटर मानो आप, वो हो जाएगा कल। तो आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं कल सुबह आगे के सफ़र पे।